जिन्हें क्या सुना समझा आपने, जहाँ कवि नहीं पहुँचता है, जहाँ रवि भी नहीं पहुँचता है, वहाँ कौन पहुँचता है? ब्रह्मा कुमारी पहुँचता है, कहाँ परमधाम तक पहुँचता है ना, है ना, जहाँ सूर्य भी नहीं जाता है वहाँ, तो ब्रह्मा कुमारी कहाँ पहुँचते है? हाँ परमधाम तक पहुँचते है, जहाँ कवि भी नहीं जाता है वहाँ रवि भी नहीं पहुँचता है, सूर्य के किरण वहाँ नहीं पहुँचते है। तो बाबा ने बच्चों को बाबा ने बच्चों को क्या सिखाया? परम धाम तक जाने की यात्रा सिखाया। तो आप सब परम धाम में जाते हो ना, मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र करना चाहिए। सवेरे सुनाया था संसार में कैसे चलना चाहिए, लेकिन और एक चीज जानना चाहिए कि बाबा कहता है कि बच्चे दिल में कोई भी बात हो, दर्द हो, दुख हो, किसी को नहीं सुना, तो किधर तो सुनाना पड़ेगा ना, तो कहाँ सुनाएंगे, किसको सुनाएंगे, बाबा को कहाँ सुनाएं? दो जगह है, एक है बाबा के कमरे में बैठो, और बाबा कौन? बाप और दादा दोनों हैं। पहले 5 मिनट आत्मिक स्मृति में आना चाहिए, क्योंकि आत्मा का आवाज ही परमात्मा तक पहुंचता है, ये अच्छी तरह से याद है। शरीर समझ कर और कितने भी आप बात करते हो, रुझान करते हो, जैसे मंदिर में मूर्ति के सामने करते हो, है ना, तो यहाँ चैतन्य बाबा वहां है ना, तो वहां बैठ के सुनता है। तो कल सुनाया था, देखो कोई देवी देवता गए, धर्म गुरु है, कोई भी वापस नहीं आए, है ना, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में निराकार भगवान ब्रह्मा बाबा द्वारा आए। तब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कहां गए? उनका टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है, हाँ, बाबा ने कहा ये कमरा छोड़ के मैं यहां आई, ऐसे कोई भी नहीं आया। श्री कृष्ण गया, हनुमान गए, श्री राम गया, देवी गई, बहुत लोग शरीर छोड़ते गए, गुरु नानक देव जी गए, है ना, बुद्ध गए, कितने धर्म गुरु गए, वो कहां गए? ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद कर्मांकित होने के बाद गुलजार दादी के तन में बाप और दादा दोनों आ गए, 50 सालों से ज्ञान सुना रहे हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाबा गए तो गया बंद हो गए, नहीं, श्री कृष्ण गया गीता दोबारा किसने सुनाई, श्री राम गया दोबारा आया, कोई भी देवी देवता धर्म गुरु कोई भी गया, कहां गए? तो कोई भी कर्मातीत नहीं बने, जब तक कर्मातीत नहीं बने अर्थात विकर्म से विनाश नहीं किया तो दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहां अब बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद भी गुलजार दादी के द्वारा 50 साल हो गया अव्यक्त पार चला कर, तो बाप दादा विश्व बाबा गुलजार ब्रह्मा बाबा दोनों गुलजार दादी के द्वारा हम साल आगे ज्ञान सुनते हैं। आप पूछेंगे कभी आपके मन में विचार आएगा, भाई जी कैसे कहते हो बाबा आया, और कोई आता होगा, है ना, पूछ जाए ना कभी, हाँ उसका भी आपको। देखो साकार में ब्रह्मा बाबा थे तो अंडरग्राउंड पेट्रोल की टाकी लगी थी, पेट्रोल लगता ना गाड़ी को जाने के लिए, वो किसी को पता नहीं जिसने बाबा अपने शरीर छोड़ के गए, लेकिन वो बहुत साल हो गया अंदर ही अंदर लीन हो रहा था। बाबा ने संदेश भेजा, बच्ची देखो टाकी लीक हो रही है, अब तो पेट्रोल किसको दिखाई नहीं देता, जमीन के अंदर है, तो ये किसने बताया? जिसने डाला था, है ना, बाबा ने डाली थी, बाबा साकार में था, तो प्रूफ चाहिए कौन आता है, कोई कहता और कोई आता होगा, हर चीज की प्रूफ। तो कैसे आज तक भी आकर के 50 साल पहले जो ज्ञान सुना था वो आज भी सुनाता है, तो वही आत्मा है। तब बाबा ने कहा बच्चों की मैं अंत तक सेवा करूंगा, अंत तक बच्चों के पास कहां है, तो यह सूक्ष्म धन है। तभी संदेश भी आके भोग लगाते हैं, संदेश भी क्या है, आज भी मधुबन में कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, बाबा को पूछ के करते हैं। देखो 2 साल पहले हार्ट वाला हॉस्पिटल बना रहे थे,
सबने कहा हॉस्पिटल बनना चाहिए, सब तैयारी हो गई। बाबा को पूछा, बाबा ने कहा क्या है? अभी नहीं, अंदर नहीं। हर काल तब कहा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहां कोई मनुष्य गुरु कोई नहीं, सब बाबा के हम बच्चे निमित्त बच्चे। तो आज भी सब कुछ डायरेक्शन, क्या करना क्या नहीं करना कैसा करना, सब कुछ ईश्वर के डायरेक्शन के अनुसार चलता है। हर बात बाबा से पूछ करके देखो, जानकी दादी भी लंदन भी कहीं जाती है, मैसेज देते दे, पूछते गुलजार दादी को संदेश देते दे, मैसेज देते दे, पूछ के बताओ। बाबा को पूछ के हर कार्य करते हैं, तब इसका नाम है ईश्वर या विश्वविद्यालय। तब बाबा ने कहा अगर बाबा को पूछ के कुछ भी करते हो तो बाप धन्यवाद है, अगर बाबा को कुछ आपने कुछ किया तो आप जिम्मेवार हो। तो इसके लिए जीवन में कोई समस्या कोई कुछ बात आती है तो किसको पूछे, कौन मिलता है नहीं किसको पूछे, दुविधा है। ये करो कि ये करो, मुरली में भी बाबा कभी कुछ कहता बच्चे ये करो, कल कहता ऐसा करो, है ना, तो क्या करे क्या नहीं करे। तो इसके लिए कभी भी पूछना नहीं, है ना, दुविधा में नहीं आना। सीधा मुरली क्लास सुनने, मुरली सुनने के बाद भी कोई बात समझ में नहीं आती तो सीधा इधर से जाओ बाबा के कमरे में बैठो। बाबा आपने कहा मैं टीचर हूं, बाप भी हूं, सदगुरु भी है, बाबा आज आपने मुरली में ये कहा इसका अर्थ क्या है, ये हम अपने जीवन में कैसे लाए, पूछना। अगर आप पूछ करके क्या करो, बात करते नहीं रहना, प्रश्न पूछने के बाद एक से एक दृष्टि देते चुप बैठना, जितना आपका मन शांत है कुछ विचार नहीं कर रहे, आंखों से बाबा को देखते रहते हो, आपको विचार आएगा बच्चे इसका अर्थ ये है, ये ऐसे करो, नहीं इनको पूछो, किसी का चित्र दिखाई देगा इनको पूछो ये आपको जवाब देंगे। तब का हर चीज बाबा को पूछना, अगर आज तो जवाब नहीं मिला है कल फिर कहा कहना, बाबा आपने कहा था हर बात मुझे पूछ के करो, आपको कल बताया था आपने जवाब ही नहीं दिया, पूछो तीसरी दफा पूछो, दो तीन दिन के अंदर मुरली के अंदर जवाब आएगा। जिसकी बुद्धि की लाइन बुद्धि मन बुद्धि स्वच्छ है तुरंत टचिंग होता है, कभी किसी किसी को समझ में नहीं आता क्योंकि बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है। बाबा जवाब देता नहीं समझ में आया कल मुरली में आएगा, नहीं तो परसों कोई ना कोई आपको जवाब किसी के द्वारा बाबा समझाएगा, वो बाबा की जिम्मेवारी है। एक बार बाबा को बताया वो आपको आज नहीं तो कल किसी न किसी द्वारा समझाएगा। तो बाबा कभी भी कोई भी चीज है बाबा के कमरे में बैठो। एक अगर कोई योग में बैठ, सवेरे घर में बाबा का कमरा नहीं, अमृत में नहीं, शाम को योग में बैठते हो तो पहले आत्मचिंतन चाहिए जो पांच प्रश्न होता है, उसके बाद सूक्ष्मतन में सूर्य चांद सितारों से ऊपर सूक्ष्मतन है, सूक्ष्म शरीर लाइट का प्रकाश का ब्रह्मा बाबा है ना, उनके पास शिव बाबा दोनों बाप और दादा दिखाई नहीं देता है, समझ है बाप दादा ऊपर है। और बाबा से बात करो, बाबा कल आपने मुरली में ऐसे कहा मुझे ये बीमारी है किस डॉक्टर के पास जाओ, बच्चे ऐसे करते हैं पति ऐसा करता है ये ऐसा, जो भी कुछ बात कर रहा है तो सूक्ष्म मदद में करो, बाबा हर एक की बात सुनता है और समय पर जो करना है जो मदद दे रहा है हर कहीं भी आपको मदद करेगा किसी भी किसी द्वारा। ये बाबा की तब कहते हैं भगवान इस धरती पर आया हुआ है ना, तो आप हमारा धर्म और कर्म हर बात उधर तक पहुंचाना है, आपका धर्म और कर्म लेटर लिखे पोस्ट के डब्बे में डाल देना है, वो पोस्ट में आज नहीं तो कल वहां पहुंचाएगा, है ना, इसी विश्वास से हमें लेटर डालते हैं ना डब्बे में
कि अविश्वास होता है, डब्बे में तो डाला हमें पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। यहां भी ये लेटर बॉक्स, कोई भी प्रश्न है, समस्या है, दुविधा है, क्या करो क्या नहीं करो, बहुत सारे संसार में समस्या है, किसको पूछे, है ना। तो इसके लिए बाबा से पूछे, बाबा व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के अलग अलग राय है। उदाहरण के लिए बताओ, ऐसे देखो दो भाई थे यज्ञ में बहुत बड़े, आज भी एक में शरीर चला, एक है रिजवान भाई करके है, जो नांगल में पंजाब में शिव फैक्ट्री के एक कास्ट फैक्ट्री में काम करते थे, ऑफिसर थे वो, इनकम टैक्स के, तो वो गवर्नमेंट की फैक्ट्री, तो वहां कोई भी आता है तो उनको चाय पिलाना पड़ता है, इनको भी पीना पड़ता है, तो क्या करे, बाहर का चाय पीले चलेगा। हाँ, और एक भाई था बाबा का बच्चा बॉम्बे में, वो भी इनकम टैक्स ऑफिसर है, रमेश भाई करके, मधुबन में सारा अकाउंट देखता है, उनका अपना ऑफिस था, उनको भी कोई आते ऑफिस में चाय पिलाना पड़ता है, कुछ पिलाना पड़ता है, तो दोनों के अंदर बात होती है, तो बाबा तो कहते हैं बाहर का पीना नहीं चाहिए, तो क्या करे, तो दोनों पहले एक बाबा के पास, साकार में ब्रह्मा बाबा था, बाबा के पास गए, बाबा हम नौकरी करते हैं, तो वहां वो लोग चाय पी लो कहते हैं, सबके साथ उठना बैठना होता है, तो नहीं पिएंगे तो कहेंगे ये ठीक नहीं, इनको चेंज करो, ट्रांसफर कर देंगे, निकाल देंगे, तो क्या करना चाहिए, तो आप बताओ क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे आपको चाय पीना चाहिए, ब्रह्मा बाबा के नाम तो चाप चाय, वो खुश हो गया, खुश हो गया। दूसरा भाई था, उसको कहा बाबा ने मुझे चाय पीने की छुट्टी दिया है, बाबा चाय पी सकते हो, अरे बाबा ने मुझे कल तो कहा किसी का अज्ञानी का विकारियों का हाथ का नहीं खाना चाहिए, आपको कैसे छुट्टी दिया, मैं जैसा खुश निकला वो भी गया। बाबा ने कहा बच्चे, उसने कहा बाबा मेरा भी ऑफिस है, मेरे ऑफिस में बहुत लोग आते जाते हैं इनकम टैक्स के लिए, तो मैं क्या करूं, बच्चे आप तो चाहे बाहर की चीज पीना नहीं चाहिए, क्यों, कि आपका ऑफिस है, आप मालिक, कोई भी आया चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, लींबू का शरबत पिलाओ, कुछ भी करो, आप मालिक है, आप नौकर नहीं है, तो आपके जो पिलाइए वो पिएंगे, चाय पीना चाहिए ऐसा नहीं, चाय देना चाहिए ऐसा नहीं, तो आपको न पिलाना चाहिए न आपको पीना चाहिए, उसको वो वह मालिक नहीं, नौकरी करता है, तो पराधीन है, तो वहां अगर आप उनके नियम अनुसार नहीं चलेंगे, कल कहेंगे ठीक है इसको ट्रांसफर करो, इसको निकाल दूसरी जगह भेज दो, तो वहां आप मालिक नहीं है। श्रीमद शिव बाबा का यह व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अलग अलग है, इसलिए बाबा कहता है जो इनको कहा वो आपके लिए नहीं, आपकी समस्या कुछ है, आप बाबा को बताओ। बाबा बैठा है, तब का भगवान इस धरती पर आया हुआ है, हर बात में उसको जो सुना इधर उधर की बातें सुनना नहीं, उनको जो दवाई, बीमारी एक ही है, दवाई का अलग अलग है, इस बीमारी के लिए ये दवाई, इस उसी बीमारी के लिए दवाई अलग है, इसलिए श्रीमद भी हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, कोई भी बात हो एक दूसरों पर नहीं, आप सीधा बाबा से बात कर सकते, समझ में आया, दुविधा में नहीं रहना, आप भगवान के घर में अंधेर नहीं है, देरी होती है, आप सुनो कल मैंने आपको सवेरे सुनाया है ना, जो देखो अफ्रीका से आया, 3 दिन लगे, 3 दिन के बाद भी भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण किया, किसी न किसी द्वारा करता है, एक ने हजारों उदाहरण है, लेकिन आपको सुना इसलिए कभी भी दुविधा में नहीं है, बाबा के कमरे में जाओ, अमृत वेले शाम को योग में बैठते हो, बाबा से बात करो, बाबा सुनता है। अब आया दूसरी बात, बाबा को भोग लगाना चाहिए, माताएं भोग लगाते हो, नहीं लगाते, लेकिन भोग किसको लगाना चाहिए किसको नहीं लगाना चाहिए, नियम मर्यादा भी जानना चाहिए, जिसके घर में सभी पति बच्चे सारा परिवार ज्ञान में चलता है,
आपको ही बाबा को दिन में एक टाइम स्नान करके खाना बना करके बाबा के लिए भोग लगाना चाहिए। जिसके घर में सभी भी चलते हैं, माता जी के लिए क्या भी चलती है और भोग लगाना चाहती है, तो कोई प्यास खाता है, कोई कैसे बर्तन है, कोई कैसा है, नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगा। क्यों? सर्वशक्तिमान श्री बाबा का भोग पवित्र। इसलिए मधुबन में भी पहले मम्मा अकेले ही भोग बनाती थी, भोग बना क्या करती है, कोई भोग नहीं बना सकता है। आज भी मधुबन में भोग बनता है तो सारे खिड़की दरवाजे बंद करते हैं, किसी की नजर भी नहीं पहुंचे। अरे भोग बनाने से पहले इनकी नजर लग गई, नजर पड़ गई, सब दरवाजे बंद कर गए। तो इधर भी भोग बनाते समय शिव बाबा को भोग लगाना, देवी देवताओं को भोग लगाने में अंतर है। तो अगर फिर भी माता जी कहते मुझे भोग लगाना है, हाँ उसकी भी व्यवस्था है। अगर घर में कोई नहीं चलते क्या, माता जी अकेले चलते हैं, तो आप फल ले लो, केला ले लो, एप्पल ले लो, कोई भी फल काट करके बाबा को भोग लगाओ। लेकिन खाना बना करके जिस चूल्हे पर बाकी कुछ खाना होता है वहां भोग लगाना चाहिए। नहीं बनता है तो भी सभी लोग क्या में नहीं चलते हैं, सभी लोग नहीं चलते ना, तो उनके वातावरण अलग है, प्यार तो सुन नहीं खाते, ठीक है, लेकिन इतनी स्वच्छता नहीं। सभी सवेरे उठते ही स्नान करके खाना नहीं बनाते, किचन में नहीं जाते। अगर आप अकेले हो, आप भी सब किचन में सब देखते हो, खाना बनाते हो, बहू बच्चे कोई नहीं आते हैं, तो अगर आपका पूरा है तो हाँ कोई ज्ञान में नहीं चलते। तो आप सब लोग बाहर गए, आप स्नान बना के अलग खाना अच्छी तरह से बाबा को बनाकर भोग लगा सकते हैं, तो कर सकते हैं। अगर आपका पूरा घर में आप अकेले हो तो चलेगा, ठीक है। तो आप अकेले किचन में जाते हो, जरा कोई आए और किसी का है तो वो वातावरण वाइब्रेशन ठीक नहीं है, इसलिए व्यवस्था बतानी पड़ती है। नहीं तो भोग लगाना सबको पता है, लेकिन कैसे क्यों बता रहा हूँ आपको, बताता हूँ प्रैक्टिकल। जयपुर में भोग बना रही थी बहन जी को, लगा आज गुरुवार है, स्नान किया सिर पर, स्नान करके भोग बना करके ला के रख दिया, लेकिन फैन भी चलता है तो पनीर की सब्जी थी, तो हवे में बाल उड़ते हैं, तो पनीर की सब्जी में बाल का कपड़ा गिरा, सब्जी बना करके भोग ला करके रख दिया। दूसरी बहन संदेश वतन में गई, बाबा ने कहा बच्ची सांप लेके आए हो, बाबा भोग में सांप कैसे होगा, देख लो बाबा ने सांप फैलाया है, तो वो माने नहीं, बाबा सांप कैसे इतने छोटे डब्बे में आएगा, तुरंत नीचे पहुंच गए। नीचे आके कहा जिसने भोग रखा था उसको बुलाया, देखो बाबा ने इसमें अंदर सांप दिखाया, अरे सांप कैसे आएगा, देख लो खोलो। खोल के देखा तो पनीर की सब्जी में बाल का टुकड़ा था। तो हम सिर पर स्नान करते हैं, फैन चल रहा है, कितनी स्वच्छता चाहिए। गड़बड़ी में किया, एक पत्ते के साथ घास चला गया, हाँ सफाई नहीं किया ना अच्छी तरह से, तो शिव बाबा को भोग लगाते समय सफाई स्वच्छता नहीं लगा सकते, कोई अच्छा नहीं, फल काट गया। तो ये सुविधा जानना चाहिए, आप ये विधि जानना चाहिए, कब लगाना चाहिए, दिन में एक टाइम होगा, सवेरे गड़बड़ी होती है, शाम को भी नहीं, दिन में खाली रहते हो, आराम से अच्छे तरह से लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। पवित्रता क्या है वो भी सुना है, क्योंकि हमने बाबा के घर में छोटे बच्चे से पकड़ के 80-90 साल के भी है, सभी के है ना? तो इसके लिए बाबा ने पवित्रता एक चीज, पवित्रता मन की, तन की, संकल्प की, व्यवहार की, वाणी की, बहुत प्रकार की होती है। उसके अंदर भारत क्या था, स्वर्ग था, तो भारत के अंदर इतना सारा कचरा किसने बनाया, सब लोग कहते हैं माताओं ने बनाया, सही, मुझे तो पता नहीं, आप बताओ, भारत स्वर्ग था है ना, तो भारत में इतनी सारी गंदगी, सारे सब जगह पर कागज है, कितने बनाया, कहते माताओं ने बनाया, बाबा ने बनाया नहीं, भारत तो स्वर्ग था, यानी तब बाबा ने आकर के माताओं के द्वारा ज्ञान का कलश रखा,
इस नरक को स्वर्ग बनाने की क्या क्या नींव रखी है ना, कलश रखा। लेकिन माताओं की भूत जो माता है, भारत माता है, तो ये भारत ऐसा कैसे क्यों हुआ? अब इसकी जिम्मेवारी कौन? तो आता है पहली स्वच्छता। घर में माता लक्ष्मी है, सवेरे उठते ही घर में सफाई करना चाहिए, सवेरे उठते स्नान करके किचन में आना चाहिए। सब है, ठंडी है, तर सकते हो, करते हो भाई, बताओ, हो सकता है कि कठिन है, ऐसे करना चाहिए। ये भारत क्या है? बिना स्नान के कोई भी मंदिर में नहीं आता है, ये भगवान का घर है, भगवान के पीछे। तो सवेरे उठते नियम करो, सवेरे उठते पहले स्नान करो, फिर दोबारा चाहे तो दोबारा करो, है ना, घर में हो जाए। सवेरे उठते स्नान करके फिर किचन में जाओ, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, सब करो। और दूसरी सफाई हो जाए, घर में मच्छर है, मक्खी है, घर में सफाई नहीं है, सब जाली लगी हुई है, नहीं, दो हफ्ते में एक दफा घर की सफाई है। पवित्रता से शादी नहीं किया उसको पवित्रता नहीं कहते। सत्युग में कितनी स्वच्छता थी, तो वो आत्मा के अंदर बाबा आज संस्कार करता है। यही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सत्युग में जाएगी। अगर यहाँ उनके जीवन में स्वच्छता नहीं है तो वहां होंगी, आत्मा तो वही है ना, वहां भी ऐसे कर्म करेंगे। तो बाबा भी यहां से संस्कार करता है। तो घर को सफाई करो, खटिया से उठते ही खटिया साफ करो, ऐसे बिस्तर पड़ा रहे, कल खाना बनाया था सवेरे बनाता ऐसे रखा, खाना कम से कम 40 मिनट के बाद खाना खराब होता है, पता मुझे। अगर खाना बनाया, हमें के अंदर बड़ी जर्म्स है, आप कभी सवेरे बनाया कभी भी शाम तक खा लो, नहीं, 40 मिनट एक घंटा खाना बनाने के बाद एक घंटा तक रख, उसके बाद वो खाना खाने योग्य नहीं है। आज बीमारियों का कारण क्या है, बीमारी कहां से है? तो हवी के अंदर जर्म्स है। देखना आप कभी भी पानी एक ग्लास में डाल के रखो, दो दिन रखना, देखो उसके अंदर क्या होता है ना, तो पानी के अंदर क्या होता है। तो ऐसे ही खाना बन गया, ठंडा हो गया, हवी के अंदर ही जर्म्स है, तो उसके अंदर व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए खाना बनाने के बाद गरम गरम एक घंटा, क्यों? शास्त्रों में कहा सात्विक तमो प्रधान सतो प्रधान, क्या चीज है? गीले रस वाले ताजे सतो प्रधान है, खाना सूखा सूखा नहीं, सूखे रूखे कड़वे खट्टे बासी तमो प्रधान है। खट्टे खाना है, कड़वे है, सूखा है, बासी है, ये तमो प्रधान है। क्यों? हम जो कुछ खाते हैं उसका रस हमको मिलता है, ये शरीर रस से चलता है, खून से चलता है। सूखा सूखा कुछ खाया, पकोड़ा खाया, पकोड़ा तेल से शरीर चलता है नहीं, खून। तो हमारा खाना रस वाला होना चाहिए, गीला होना चाहिए, सूखा सूखा नहीं। फिर कैसे होना चाहिए? ताजा होना चाहिए, बासी नहीं, दो तीन दिन एक दिन पहले बना के रखा था ताजा, ये सात्विक खाना है। शरीर को क्या खिलाना चाहिए वो भी ध्यान चाहिए, कुछ भी खिलाओ बीमारी का कारण क्या है। अगर तन ठीक नहीं है, मन कैसे रहेगा, योग कैसे रहेगा, है ना। तन की स्वच्छता चाहिए, तन की स्वच्छता के अंदर फिर आया सवेरे, देखो थोड़ा सा यहाँ ऐसे इसलिए होता है, क्यों हो रहा है ऐसे ऐसे होता है क्यों? अगर आप दूरबीन लगाओ देखना बारीक बारीक कीड़े ढूंढते हैं, शरीर को पानी लग गया सड़ रहा है, जल्दी है तो शरीर को पसीना आता है, किसी के बाजू में बैठो पास में है, नहीं, शरीर स्वच्छ, देवताओं के शरीर से सुगंध आता है। तो हम कल देवता बनने वाले हैं, आज से ये संस्कार लाना चाहिए। अभी ठंडी है, बूट पहनते हो, मोजा पहनते हो, पसीना आता है, वॉकिंग करते हो, तो इधर आके बाजू में बैठो उस बास है, तो मोजा निकालना चाहिए, नहीं तो मोजा देखना चाहिए, रोज चेंज करना चाहिए, सवेरे शाम को शरीर को सवेरे शाम दो दफा स्नान करना चाहिए, है ना, कि एक दफा करना चाहिए, यूपी में पानी मिलता है, सवेरे ब्राह्मण दो दफा शरीर को स्वच्छ,
कपड़े दो तीन दिन पहले वही पहन रहे हो, कपड़े की स्वच्छता पवित्रता क्या चीज है? तो वो बाबा कहता है कि शरीर की स्वच्छता, अन्न की स्वच्छता, कपड़े की स्वच्छता, घर की स्वच्छता, घर में जाली है, मक्खी है, अगर एक मच्छर काटता आज 2 लाख रुपया खर्चा करता है, डेंगू का साइन तो नाम अलग रख दिया, लेकिन मच्छर ही काटता है ना, तो इसके लिए मच्छरों से बचने के लिए खर्चा करके होता है घर की सफाई, हफ्ते में एक दफा कहीं भी जाली नहीं होनी चाहिए। देखो बाबा के घर में कोई मक्खी है, मच्छर है, देखा? देखो दादी ने कितनी अच्छी व्यवस्था किया, बाजू में मैं देख रहा था कोई झाड़ नहीं, सीमेंट से पैक किया, स्वच्छ, कहीं भी जाओ जाओ तो कुछ कागज भी गिराएगा। देखो हम कहते हैं मधुबन की बात कह रहे थे, हम भी चक्कर लगा के देखता हूँ, एक जगह पर एक कागज भी नहीं गिरा हुआ है, कितने स्वच्छ लगा है ना। इसको कहते हैं आश्रम, गृहस्थ को आश्रम बनाओ, घर में भी कहीं भी कपड़े पड़े हुए हैं, खाना खा के बर्तन ऐसे रखा है, थाली ऐसे रखी है, नहीं सफाई, वो संस्कार यहां से होना चाहिए। तीसरी बात, घर के बाहर जो पानी बहता है तो वहां मच्छर होंगे ना, तो मच्छर किसको काटेंगे? ये देवता को काटेंगे ना, और किसको तो नहीं काटेंगे। तो घर के चारों तरफ स्नान करते हो, पानी जाता है तो घर के चारों तरफ झाड़ लगाना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्राण वायु चाहिए, वो कहां से आएगा? अगर हवा नहीं है तो कैसे जिएगा? तो घर के चारों तरफ स्नान करते हो, बर्तन साफ करो, पानी ऐसे जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? झाड़ लगाना चाहिए, झाड़ को पानी जाता है, नहीं तो वहां पानी सड़ करके मच्छर है, वो स्वच्छता। तीसरी एक बात हमने कहा, माता ऐसी करती है, हमने देखा माता क्या करती है, कल का सब्जी काटी, छिलके, खाना बच गया, सारा खाना सब्जी झाड़ू लगाया सब कुछ प्लास्टिक के थैले में डाल के और रस्ते पर फेंक देती, गाय खाएंगी, करते हो ऐसा? गाय प्लास्टिक खाएंगे तो क्या होगा? झाड़ू लगाया, सब्जी काटी, छिलके भी कहां पर फेंक दो, रस्ते पर फेंक दो, म्यूनिसिपैलिटी वाले सफाई नहीं करते, गाय फिर प्लास्टिक खाती है तो चलेगा? तो क्या करना चाहिए? कीचड़ा कहां फेंकना चाहिए? डस्टबिन तो है नहीं, गवर्नमेंट वाले खाली नहीं करते, आते नहीं तो क्या करते? डस्टबिन तो है नहीं, ले जाता है, सदा नहीं ले जाता है, एक जगह पर पड़ा रहता है, वहां सड़ता है, फिर गाय भी जब तक फेंक देखता है रस्ते पर प्लास्टिक, इतना कचरा पड़ा है, तो कुछ उपाय है ना, उसका उपाय घर के बाजू में एक खड्डा खोदो, उस खड्डे में डालो, वो मट्टी डालते जाओ तो वो क्या होगा, अंदर खाद भी बनेगा, मट्टी डालते जैसे खड्डा भर जाएगा, रोज एक एक डालते जाओ, घर के बाजू के म्यूनिसिपैलिटी वाले सब जगह आते नहीं है, पड़ा रहता है, फिर गाय और कोई आते हैं तो फैल जाता है, हवा में प्लास्टिक उड़ जाता है इधर उधर, ये सारी गंदगी कौन? फिर गाड़ी में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, कुछ खाते हो, रस्ते पर फेंकते हो, तो ये कौन सफाई है? भारत किसका? गवर्नमेंट का कि हमारा? हमारा, हमारा भारत है ना, तो हमारे भारत को स्वच्छ रखना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है। तो कभी भी बच्चों को भी सिखाना चाहिए, रस्ते पर कहीं जाते हो, तंबाकू खाया, गुटखा खाया, कहीं भी पी चुका नहीं, रस्ते पर चलते फिरते कहीं नहीं, कुछ खा के प्लास्टिक गिराना नहीं, अपने साथ ट्रेन में भी जाते हो तो एक थैले कुछ खाया पिया उस थैले में डालो, बाहर उतरने के बाद जहाँ कचरे का डब्बा है उसके अंदर डालो, इधर उधर फेंकना चाहिए। बस पर जाते हो, ट्रेन पर जाते हो, रस्ते पर इतनी गंदगी किसने बनाई? अगर आपको हम पवित्र है और ये सब गंदगी किसने बनाई है ना? माता गुरु बच्चों को सिखाएंगे ना, बच्चे इधर फेंकना नहीं, बाहर नहीं फेंकना, केला खाया, कुछ भी खाया, ट्रेन में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, बाहर फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो ना, तो कौन सिखाएगा? माता गुरु सिखाएंगे ना, बच्चों को भी, स्वयं को भी, पति को भी, घर में भी, घर की लक्ष्मी का, घर के अंदर भी स्वच्छता चाहिए। तो ये पवित्रता तन की, फिर मन की, सवेरे सुना है किसी को देखते ही मन में शुभ विचार करना, चाहे कोई कैसा भी हो, कि तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, आप धन की भी पवित्रता, सवेरे सुना है किसी का पैसा पति का भी हो, जेब से निकाल के बाबा को दान करना चाहिए, नहीं। हाँ, आज की दुनिया में करप्शन, कहते गवर्नमेंट में काम करते हो, हाँ करप्शन लेकर के बाबा को देंगे, दान करेंगे, नहीं, ऐसा धन नहीं चाहिए, सच्ची कमाई चाहिए,
तो इसके लिए तन की, मन की, धन की, बोल भी कभी कभी गलत शब्द निकलते हैं कि नहीं निकलते। हाँ, तो बोल की भी सुचन, ये सभी प्रकार के पवित्रता है, उसको इस ईश्वर विद्यालय में पवित्रता के लिए। सिर्फ मैंने शादी नहीं किया इसलिए पवित्र नहीं है ना, संत तो ब्रह्मचर्य लाभ है, जंगल में कितने हैं संत जैसे सत्य में आएंगे। तो हर प्रकार की स्वच्छता चाहिए, तन की चाहिए, खाने की चाहिए, बोल की चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। कहीं जगह पर हम कुछ गलत देखते भी है सुनते भी है, कभी भी एक दूसरों को नहीं सुनाना चाहिए। सुना था सवेरे गलत समाचार कभी सुनाना चाहिए, सुनाना चाहिए जरूर, क्या शुभ समाचार सुना। अगर उनको गलत सुना हो तो कोई कुछ कर सकता है, उनके मन में गलत बातें क्यों रखना चाहिए, ठीक कभी कभी रखना चाहिए भाई बताओ। कुछ गलत देखा सुना तो दूसरों को सुनाना चाहिए ना, हाँ नहीं चाहिए, कभी कभी सुनाना चाहिए, नहीं पक्का माता जी बताओ, थोड़ा सुनाना चाहिए नहीं पक्का। हाँ एक उसको कहते हैं ना चिंतन, निंदा, भगवान के बच्चों की निंदा नहीं, कैसे भी खराब है लेकिन वो भी भगवान का बच्चा है ना, अगर उसको ठीक करना चाहते हो तो उसको ठीक करने के लिए भी बाबा को बताओ। देखो बाबा ने व्यवस्था बहुत सुंदर सुना है, 1979 हाँ, 2 साल के अव्यक्त मूल्य में बाबा ने स्पष्टीकरण दिया कि आप इधर ही बाबा के सेंटर में ही तो एक भाई है माता है बहुत गुस्सा करते हैं, बाहर का खाते हैं, चाय पीते हैं। माता जी ने देखा ये भाई रोज क्लास भी करता है, योग भी करता है, बहुत गुस्सा भी करता है, दूसरों को दुख भी देता है, बाहर का भी खाता है, सिगरेट भी पीता है, तंबाकू भी खाता है, तो क्या करेंगे आप? आपने देखा क्या करेंगे? माता जी बताओ, नहीं दूसरी माता जी को नहीं बताएंगे, हाँ उनको भी बताएंगे ना, उनका परिचय देंगे ना, अरे माता जी ये भाई रोज क्लास करता है, योग करता है, देखो गुस्सा भी करता है, ऐसा भी करता है, बताएंगे ना, बताना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? हाँ ये नीति भगवान के बच्चों की निंदा हुई। अगर आपने गलत देखा सुना, कोई माँ बाप है ना, निधन के बच्चे तो नहीं, धनी तो ही है, बाबा के कमरे में बाबा ये आपका बच्चा रोज क्लास में आता है, योग भी करता है, देखो बाहर का भी खाता है, गुस्सा भी करता है, चोरी भी करता है, इसको आप संभाल करो, ये आपकी बेइज्जती होगी, आपका बच्चा है, बाबा को सुना। फिर आप कहेंगे बाबा एक तो करंगा में बैठा है, एक तो सूक्ष्म में बैठा है, कोई सुनता नहीं हमारी बात, तो क्या करें, किसको सुनाएं? कभी कहेंगे तो बाबा सुनता है नहीं, तो बाबा ने कहा निमित्त टीचर को बताओ, टीचर भी उनकी मेरी ड्यूटी है, वो भी मेरी सुनती है। हाँ फिर क्या करो? फिर बाबा ने कहा क्या आप उसको परिवर्तन कर सकते हो? विधि बनाया, 4 विधि किया, क्या आप उसको परिवर्तन कर सकते हो? अगर आपने उसको कहा मानेगा तो क्या करें? तब बाबा ने कहा हाँ अगर आपको लगता है हमारा भाई है हमारे सेंटर में आता है, भाई जी घर में कोई गलत कुछ करता है उसको ठीक करना चाहिए ना, क्या आप ठीक कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप उसके पास जाओ, भैया आप बहुत अच्छे हो, रोज क्लास करते हो, योग करते हो, महिमा करो उसकी अच्छी तरह से, आप बहुत अच्छे हो, रोज क्लास करते हो, योग करते हो, शिव बाबा के बच्चे हो, ऐसे करो। फिर कल आप रस्ते पर उनके साथ जोर जोर से बात कर रहे थे, लोग क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार आपस में लड़ते हैं, ऐसे बोलेंगे। अगर वो सभ्य है तो कह बहन जी मुझे उस समय होश नहीं था, भूल हुई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अगर वो थोड़ा कठोर है, मैंने दूसरा किया आपने क्यों देखा? आपको किसने कहा देखने के लिए? आपको भी कुछ बोलेगा, वो भी सहन करने की शक्ति चाहिए। अगर अपना परिवार कहते हो तो बाबा ने कहा किसी को सुधारना चाहते हो, किसी को समझाना चाहते हो तो समझाने के लिए विधि बताया। कैसे? पहले उसकी महिमा करो, महिमा करके उसको बताओ भाई जी आपके कपड़े पर तार लगा, मैं साफ करूं। अगर वो सब भी अच्छा है, नहीं नहीं मैं साफ करता हूं, नहीं तो मेरे कपड़े पर तार लगा आपने क्यों देखा, आपको क्या तकलीफ है, ये भी बोलेगा। तो बाबा ने दोनों व्यवस्था दिया है। अगर कोई कठोर व्यक्ति है तो आपको ही बोलेगा, तो आपको सहन करने के लिए जाना चाहिए। अगर बाबा का बच्चा अगर गलत भी बोलता है कुछ तो भी सहन करने की जाना चाहिए। अगर उसको परिवर्तन करना चाहते हो, आपके अंदर शक्ति है, उसकी महिमा करके उसको समझाना चाहिए, है ना।
नहीं तो क्या होता, किसी को बाबा ने कहा आपको वॉचमैन तो नहीं बनाया, जो कोई करता है वो अपने लिए, आप अपना करो, अपना देखो, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्या है, तो किसी को ड्यूटी दिया नहीं। तो कैसे संसार में चलना चाहिए, पवित्रता किसको कहा, कि मन स्वच्छ, वाणी स्वच्छ, जितना हो सकता है तन स्वच्छ, मन स्वच्छ, घर स्वच्छ, किसी के गृहस्थ आश्रम का किसी के घर में जाओ साफ स्वच्छ, तब कहेंगे मंदिर जैसा है ना। अगर किसी के घर में जाओ मच्छर है, आवाज है, सफाई नहीं है, खाना ऐसे रखा है, बर्तन ऐसे रखा है, चलेगा सत्युग में जाने लायक, पवित्र कहेंगे, पवित्र गृहस्थी कहेंगे नहीं। तो ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हो, पवित्रता की अच्छी जरिए एक ही नहीं, सभी प्रकार की स्वच्छ रखना चाहिए, शरीर को भी स्वच्छ रखना चाहिए, बीमारी माने का कारण शरीर को स्वच्छ नहीं रखते, पसीना आता है, सवेरे शाम दो दफा शरीर को स्नान करना चाहिए, और पानी लगता है, पसीना भी आता है तो सड़ता है जल्दी, तो वहां जल खुजली आती है, क्यों आता है, तो उधर दूरबीन लगाओ देखना बारीक बारीक कीड़े खुलते हैं, अपने आप ही होता है, शरीर को स्वच्छ ठीक है। पवित्रता क्या है समझना चाहिए, योग क्या है क्या समझना चाहिए, ज्ञान कैसे सुनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए संसार में, और क्या सुनना चाहिए, पवित्रता समझ में आया, भोग कैसे लगना समझ में आया, पर चिंतन निंदा निकल देखने के बाद सुनने के बाद भी बताया आपको सब कुछ, लेकिन आप मुख से वर्णन नहीं करते, क्यों, अगर आप वर्णन करते हो पहला आपके मुख में गलत बात है, आपके मन में, मन पहला मेरा मैला हो गया, बाद में दूसरा, हमें मन को तन को वाणी को स्वच्छ करना, ये पवित्रता है ठीक है, समझ में आया। और अभी आपके मन में कोई प्रश्न है तो अभी तीसरी एक बात है, ज्ञान सुना तो बहुत कुछ है, एक बात है भाई जी, संसार में गृहस्थ में रहते हो, किसी के पास जाके कुछ खाना पड़ता है तो खाना चाहिए, बाबा ने कहा भिखारियों का हाथ का नहीं खा लो, बाहर का नहीं खा लो, अभी माता जी पूछते, माता जी के दो बच्चे लड़कियां शादी करके दिया है तो माता जी को बुलाते हैं, और वो लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं तो क्या माता जी उनके घर में नहीं जाएंगे, बेटा को शादी करके दिया है अलग रहता है, लड़की भी दिया है तो माता जी को बुलाती है, अभी माता जी क्या नहीं चलते, बच्चे तो नहीं चलते हैं तो क्या करें, माता जी उनके घर में नहीं जाए, आपके सामने एक दुविधा है ना, बाहर का नहीं करें तो क्या करें, माता जी आप बताओ क्या करते हो, उधर जाके आप बनाएंगे तो कहेंगे मम्मी आप बैठो हम बना के खिलाते, एक दिन आए हो आप किचन में घुसे, आपका अधिकार आपके घर में, यहाँ नहीं, टिफिन में लेके जाते, अगर शादी में बुलाए वहां से टिफिन लेके जाके सबके सामने बैठ के खाएंगी, माता जी टिफिन बना करके ले जाके सबके साथ बैठती है और सबके साथ बैठ के खाती है, पक्का ये नंबर वन हो गया। हाँ अगर कहीं जाते हो अपने परिवार में किसी के दूसरों के शादी में कोई परिवार कुछ प्रोग्राम में जाते हो वहाँ क्या करते हो, टिफिन लेके जाते, माता जी ने और बताओ आप क्या करते हो, भाई बताओ, भाई भी कहेंगे हम भी खाना किचन में जाके खाना बना के खाएंगे, हाँ आप बताओ, अगर किसी के पास जाओ तो बाबा के शादी में गए और कुछ प्रोग्राम होता है तो वहां क्या करते हैं, बाहर का बाबा कहते हैं भिखारियों का हाथ का नहीं खाना चाहिए है ना, बाहर का नहीं खाना चाहिए तो क्या करना चाहिए, किसी के घर में जाते हो तो खाना नहीं खाएंगे, फल दे दो, कहेंगे फल काट खा दे, ये भी ठीक है, और माता जी बताओ मजबूरी हो जाती है, मजबूरी हो जाती है, बच्चे बहुत कहते हैं कि बड़े पवित्र हो गई है, माता जी के तरीके कभी मजबूर होता है, बहुत सुनते नहीं है परिवार नहीं सुनते हैं, उसमें क्या करेंगे, बाबा की दृष्टि देंगे, बाबा से बात करें, बाबा क्या करें, अच्छा दृष्टि देकर के खा लेते हैं, दृष्टि में शक्ति है इतनी, तो कला तो नहीं होगी ना,
कला तो नहीं होगी ना, झंझट तो नहीं होगी ना, ऐसे में तो बवाल करते हैं सब। कुछ भी खा लो चले, नहीं कुछ भी नहीं ये माता जी अच्छी बात है। जहाँ माता खाना बना सकते घर में बना के ले लो, ये जाओ और सबके साथ बैठो भी, कहा मुझे शुगर है नमक कम चाहिए ऐसा चाहिए, बना करके ले जाओ थाली में रख के उनके साथ बैठ के खा सकते है ना। अगर मेरे परिवार में आपके पहचान आपके ही है तो जाके वही खाना बना के आप लोग बैठो सबके साथ ऐसा भी, लेकिन इस सोचे नहीं हो सकते, इस सभी से नहीं हो सकते। और उपाय खाना तो घर में बना के सबको खिला सकते, नहीं नहीं तुम बनाओ घर बना, तुम ऊपर से देख कर। कभी बाहर का खाना पड़ता है ना भाइयों को भी, किधर जाते हो तो क्या करना चाहिए। अभी इस महीने का आज मेरा उपवास है, कुछ नहीं खाएंगे। अच्छा, जाके और शादी में जाके देख कर क्या बस, आज उपवास है आज नहीं खाएंगे।